नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो हो जाता है अपना, ठीक है, जो आज जो रहने वाला है वो अपना रहने वाला है यूनिट नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्मी को ज्यादा ही पड़ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर सेकंड के। दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंपोर्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहला हो जाता है बैगनर वाला और हो जाता है बैगनर होम्स वाला होता है क्वेश्चन, और एक अपना हो जाता है ये भूकंप वाला। ज्वालामुखी पढ़ सको तो पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है, मगर वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपके लिए। तो आप दो याद कर लेना, एक बैगनर वाला कर लेना और ये भूकंप वाला, ठीक है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा है, भूकंप के कारणों को स्पष्ट करते हुए भूकंपीय लहरों का विवरण प्रस्तुत कीजिएगा। ये अथवा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भूकंपीय लहरों का प्रकाश डालते हुए प्रमुख भूकंप पेटियां तथा प्रभावों की समीक्षा कीजिएगा। तो सबको हम देखने वाले हैं भूकंप के बारे में, इसकी लहरें कौन कौन सी हैं, तरंगें कौन सी हैं, इनके प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं और भूकंप पेटियां कौन सी हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्या डालेंगे, यूनिट नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर, उसके बाद हम डालेंगे उत्तर। और पहली जो हेडिंग हमारी होगी वो कौन सी होगी, भूकंप का अर्थ, या फिर सिर्फ भूकंप भी लिख सकते हैं। तो बात करते हैं भूकंप का अर्थ, इसकी थ्योरी देखते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी विशिष्ट व आकस्मिक अंतर्जात शक्तियां हैं, पृथ्वी के अंदर की हैं, तो क्या कह दिया, अंतर्जात शक्तियां हैं। तो भूकंप के प्रभाव से पृथ्वी की जो क्षेत्र होता है वो क्या है, हिलने तथा कांपने लगता है। अर्थात भूकंप में पृथ्वी या उसका कुछ भाग अज्ञात कारणों से कांपने लगता है। कुछ कारण होंगे जो अज्ञात हैं, अभी तो अज्ञात है ना, तो अज्ञात कारणों से क्या होता है, कांपने लगता है। सेलेसबरी, तीन चार नाम याद कर लो, सेलेसबरी हो गए और अपने बैगनर हो गए, होम्स हो गए, और भी दो तीन हम आगे देखने वाले हैं, याद हो जाएंगे अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तब, ठीक है। तो बात करते हैं सेलेसबरी के अनुसार, प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। बिल्कुल इजीली कह दिया कि प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक कुछ कारण होते हैं उनके जरिए अगर सतह कांपने लगती है तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, सिंपल दे रखा है उन्होंने। फिर दे रखा है होम्स के अनुसार, होम्स ने क्या कहा, होम्स ने कहा भूकंप से अर्थ है पृथ्वी की सतह का हिलना या फिर कंपित होना। बिल्कुल सिंपल बात, उन्होंने क्या कह दिया, होम्स ने कह दिया भूकंप से अर्थ है पृथ्वी की सतह का हिलना या फिर कंपित होना। तो भूतल पर या भूगर्भ में चट्टानों का लचीलापन बढ़ने, लचीलापन बढ़ेंगे, सह सूटेंगे और क्या होगी, दरारें वगैरह होंगी, कंपित होगी, ठीक है पृथ्वी। तो इस प्रकार से हो जाता है लचीलापन, या फिर गुरुत्व संबंधी संतुलन बिगड़ जाने से ऐसा ही हो जाता है। गुरुत्व संतुलन कब बिगड़ेगा, एक प्रकार से बात करते हैं इस समय क्या है, पृथ्वी प्राकृतिक है, ठीक है, अब उस पर डैम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा जल एकत्र होगा, है ना, बहुत सारा जल एकत्र होगा, गुरुत्व में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ना आएंगे, बिल्कुल वेट बढ़ेगा। तो यहां पर रहता है गुरुत्व संबंधी और लचीलेपन संबंधी, ये हमारे कुछ संतुलन बिगड़ जाते हैं तो ये कारण हो जाते हैं। आगे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कारण, दो दो कारण देख ही लिए, ठीक है, उनको लिख सकते हो आराम से। बात करते हैं भूकंप की उत्पत्ति के कारण, दो कारण में देखिए, अभी एक गुरुत्व हो गया और एक क्या हो गया अपना, लचीलापन, ठीक है। तो बात करते हैं प्राचीन काल में भूकंप को क्या कहते थे, ईश्वरीय प्रकोप, मतलब ईश्वर के द्वारा गया किया गया एक प्रकोप है ये, या गाय का सींग हिलाना, या फिर गाय सींग हिला रही, ये भी कहते थे, तथा दैविक घटना, देवताओं के द्वारा की गई घटना, मतलब दैविक घटना, या फिर शैतान का प्रकोप, या फिर शैतान के द्वारा किया गया कोई कार्य आदि माना जाता था। परंतु वैज्ञानिक विकास और उपकरणों की खोज ने भूकंप की उत्पत्ति निम्न कारणों से मानी है। अब कौन कौन से कारण हैं ये देखिएगा, फर्स्ट कारण हो जाता है भूगर्भ में ऊंचे तापमान पर, जो भूगर्भ है उसमें ऊंचे तापमान पर जलवाष्प या फिर गैसों की क्रियाशीलता के कारण पृथ्वी की कमजोर पपड़ी का कांप जाना। अब क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, जलवाष्प गैसों में परिवर्तित होगा और क्रियाशील होगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा, है ना, ज्वालामुखी फटेगा, तो क्या होगा भाई, कमजोर पपड़ी फटेगी और पृथ्वी होगी कंपित, तो क्या हो जाएगा, भूकंप आना संभव है। बात करते हैं अपना सेकंड कार्ड क्या हो जाता है, सेकंड कार्ड की बात करते हैं, सेकंड कार्ड अपना दे रखा है वो है ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूपृष्ठ का कांप जाना, वही दे रखा है। बात करते हैं थर्ड कार्ड कौन सा है, पर्वतीय संचलन जो होता है ये अंतर्गत भ्रंश या फिर बलन पड़ने पर भूभ्रष्ट का हिल जाना, ठीक है, ये भी हो जाता है कि बलन पड़ेगा और वह अलग हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया, हिलना ही हो गया, ठीक है।
फिर बात करते हैं चौथा, पर्वत पठार मैदान तथा सागर जैसे भूखंडों के मध्य समस्थिति की प्रक्रिया के पूर्ण होने से समय पृथ्वी के बड़े भाग कांप जाते हैं। पठार पर्वत पठार मैदान तथा सागर जैसे भूखंडों के मध्य जो समस्थिति होती है उसके अनुसार भी क्या होता है भाई, पृथ्वी के बड़े भाग क्या होते हैं, कांपने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े बांधों के बनने, अभी देखा था गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन होगा यहाँ पर, बड़े बड़े बांधों के बनने तथा नदी का विशाल जलाशयों के विकास संबंधी होने पर जो जलीय होते हैं, जलीय भार का बढ़ने, क्योंकि प्राकृतिक तो है नहीं, कृत्रिम बनाए जा रहे हैं। अब कृत्रिम बनेंगे वहां पर वेट बढ़ेगा तो क्या गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन होगा, तो वही देखा है भार के बढ़ने से भूकंप जन्म लेते हैं। ठीक है भाई, छठे की बात करते हैं। छठा कारण कौन सा है, प्लेट विवर्तनी प्रक्रिया के कारण भूगर्भ में कुछ मीटर की गहराई पर कठोर पिंडों के अग्र भागों का परस्पर टकरा जाना। जैसे कहते हैं ये हमारी क्या हो गई पृथ्वी, तीन सेल्स में डिवाइड है, पहली होती है ठोस, उसके बाद है मतलब लिक्विड और ठोस, दोनों प्रकार का अग्र ठोस कह सकते हैं, और अंदर वाली क्या होती है कोर होती है अपनी लिक्विड। ठीक है, तो वही तरीका है कि प्लेट विवर्तनी की प्रक्रिया के कारण अगर ये प्लेट एक दूसरे के समीप आएंगी तो भी क्या होगा, कंपन होगा, दूर जाएंगी तो भी क्या होता है, कंपन होता है। तो वही रेखा है प्लेट विवर्तनी प्रक्रिया के कारण भूगर्भ में कुछ मीटर की गहराई पर कठोर पिंडों के अग्र भागों को परस्पर टकरा जाना, जब ये टकराती हैं तो भी क्या होता है, भूपृष्ठ का हिलना होता है। वही रेखा यहां पर सातवें की बात करते हैं, चट्टानों के लचीलेपन के कारण चट्टानों में टूट फूट होती है। लचीलापन आएगा तो क्या होगा, कैसे क्रियाशील होंगी और टूट फूट होगी सेल्सों में। वही रेखा है कि चट्टानों में टूट फूट होती है, इससे भूकंप आते हैं। ठीक है, सात कारण हो गए और बाकी हमने और भी देखे थे पहले। ठीक है, एक हो जाता है गुरुत्व वाला और दूसरा क्या हो जाता है, लचीलापन, यहां पर भी आपको देखने को मिला है, दोनों के दोनों हो गए, याद भी हो गए हमें। तो बात करते हैं भूकंप विज्ञान, आप देखेंगे भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं, हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, भूकंप विज्ञान। तो बात करते हैं भूकंप एक प्राकृतिक दुर्घटना है, कैसी है, प्राकृतिक है, फिर देखा है जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, जिससे भारी धनजन तथा संपत्ति की हानि होती है, इसीलिए भूकंप के आने के कारणों, उनकी प्रवृत्ति, आकृति, तरंगों तथा आने का अनुमान आदि अध्ययन आधुनिक उपकरणों की सहायता से किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको भूकंप विज्ञान या फिर सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इस विज्ञान को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की प्रतिवर्ष 50,000 से 60,000 भूकंप आते हैं, कितने आते हैं प्रतिवर्ष, 50,000 से 60,000। फिर रखा है जो 5 से 8% होते हैं भूकंप, इनमें अधिक हानिकारक होते हैं, 5 से 8% होते हैं वो अधिक हानिकारक होते हैं, अतः मानव सभ्यता को बचाने के लिए इस विज्ञान का विकास आवश्यक है। अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो इस विज्ञान मतलब सिस्मोलॉजी का क्या है, सिस्मोलॉजी विज्ञान का अध्ययन होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उपकरण लाना आवश्यक हो जाता है। तो बात करते हैं ये हमारा भूकंप का एक केंद्र बनाया गया है, भूकंप जहां से उत्पन्न होगा, मैं मान सकता हूं ये होगी हमारी पृथ्वी, ये हो गई अंदर वाली क्रोड, ये होगी अंदर वाली। ठीक है, ये ठोस वाली है, ठोस में इसका क्या होता है, उद्भव होता है। यहां पर अगर ये होता है, मैं यहां मान लेता हूं यहां पर होगा तो कहां जाएगा, ऊपर की ओर एक केंद्र बनेगा, ऊपर की केंद्र बनेगा, जो केंद्र होगा जहां पर ये उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, भूकंप उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। इस केंद्र को, ये केंद्र यहां दर्शाया गया है, इसे क्या कहते हैं, भूकंप उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। और जहां पर ये सतह पर, पृथ्वी की सरफेस पर ये केंद्र बनाता है, उत्पन्न होता है जिस केंद्र पर, उसे क्या कहते हैं, ऊपर सतह वाले को, उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है, जहां पर उत्पन्न होता है, इसका नींव पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप उत्पत्ति केंद्र। और जहां पर ऊपरी सरफेस पर ये फटता है तो उसे क्या कहते हैं, उस केंद्र को कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बस इतना ही बनाना है, दो नाम लिखना है यहां पर बस। फिर बात करते हैं इसकी तरंगे देख लेते हैं, तरंगे कौन कौन सी हैं, तरंगे तीन ही होती हैं, यही बता दे रहा हूं आपके लिए। पहली होती है पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, और अंतिम धक्के उसे छोड़िएगा, सिर्फ तीन तरंगे ही आपको याद करना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो बात करते हैं जो पी तरंगे होती हैं उसको आगे हम देखेंगे, मगर यहां पर थोड़ा सा बता दूं जब आए हैं तब। तो पी तरंगे जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों में समान माध्यम से चलती हैं। ठीक है, और बात करते हैं जो एस होती है वो लिक्विड में नहीं चलती है, तरल में नहीं चलती है, ये सिर्फ ठोस अवस्था में ही चलती है। ठीक है, और एल की बात करते हैं, ये कैसे होती है, ये भी सिंपल होती है, जो लिक्विड में तो नहीं चलती है, सॉरी लिक्विड में ये नहीं चलती है ना, लिक्विड में ये
नहीं ये नहीं चलती है, सॉरी हाँ ये दोनों में चलती है, ये दोनों में चलती है बिल्कुल, ठोस में और लिक्विड में दोनों में चलती है। कौन सी? एल तरंगे। ध्यान रखना, ठोस में और लिक्विड में दोनों में कौन चलती है? सॉलिड में और ठोस, सॉलिड में और लिक्विड में तरंगे चलती हैं एल, ये दोनों में चलती हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखो यहां पर बात करते हैं पी तरंगों को, क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगे। इन्हें गौर तरंगे कहा जाता है, मतलब इन्हें और भी कहते हैं क्योंकि किस प्रकार चल रही है? इस प्रकार से चल रही है, तो प्रकाश जो होता है वो भी इसी प्रकार से वेग करता है, जल भी होता है वो भी इसी प्रकार से वेग करता है, तो इसे जल तरंगे भी कहते हैं और प्रकाश तरंगे भी कहते हैं। किसके लिए? एस तरंग के लिए। ठीक है, और बाकी एल तरंग जो होती है वो सरफेस तरंग है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। बात करते हैं, पहला देखा है भूकंप एवं रिएक्टर स्केल। किसको? भूकंप और रिएक्टर स्केल के बारे में देखते हैं, क्योंकि आपको पता है भूकंप की तीव्रता होती है किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। तो उसके बारे में यहां पर हेडिंग हमारी पड़ गई। तो बात करते हैं भूकंप से संबंधित सभी पक्षों का विशेष रूप से उत्पत्ति केंद्र या फिर तरंगों की तीव्रता को जिस यंत्र से मापा जाता है उसको भूकंप मापी या फिर भूकंप लेखी कहा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइएगा भूकंप का केंद्र या तरंगों की तीव्रता को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप मापी या फिर भूकंप लेखी या फिर रिएक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, तीन नामों से ये हो जाता है, कोई भी हम नाम आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं कहा जाता है, देखा है भूगर्भ में विशेष गहराई पर जिस केंद्र से चट्टानों के उद्वेग या फिर हलचल उत्पन्न होती है, जिस केंद्र से या फिर उद्वेग हो या फिर आपको हलचल देखने को मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? भूकंप मूल या फिर भूकंप उत्पत्ति केंद्र, जो यहां पर बनाया गया है। ठीक है भाई, हो जाता है कहा जाता है यहां से जिस स्थान पर सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर लंबवत धक्का महसूस होता है, जहां पर पहला धक्का महसूस होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप अर्ध केंद्र या फिर भूकंप अधि केंद्र, जो यहां पर बनाया गया है। ठीक है भाई, उसे भूकंप अर्ध केंद्र या फिर भूकंप अधि केंद्र कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को नापने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? नापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? रिएक्टर मापनी। क्या कहते हैं भाई? रिएक्टर मापनी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कि भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं? तो रिएक्टर स्केल से नापते हैं, जिसको 12 अंकों में बांटा गया है। किसमें? 12 अंकों में बांटा गया है। एक से जो चार अंक दिखाता है, अगर एक से चार अंक तक सुई है तो क्या दर्शाएगा? अंक तक मापनी की जो भूकंप सामान्य है, तो भूकंप कैसा होगा? सामान्य होगा। यही बात करते हैं 5 से 7 अंक अगर यह दर्शाता है तो विशेष रूप से कैसा होगा? विनाशकारी होगा। अगर यहीं पर 5 से 7 अंक दिखा रहा है रिक्टर स्केल तो क्या होगा? ये विशेष रूप से विनाशकारी होगा। यहीं पर अगर 7 से 10 अंक दिखा रहा है, कितने? 7 से 10 अंक दिखा रहा है, तो भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होगा। कैसा होगा? अत्यधिक विनाशकारी होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि 1 से 4 होगा तो कैसा होगा? सामान्य। 5 से 7 होगा तो विनाशकारी। इसी प्रकार से 7 से 10 होगा तो अत्यधिक विनाशकारी हो जाता है। ठीक है, इजीली है, बन सकते हो, बिल्कुल सही। याद हो गया भाई, याद हो गया सारा की सारा। ठीक है, आगे देखो भूकंप तरंगे। मैंने बताया भूकंप तरंगे आपको याद हो गई ना, कौन कौन सी? पी, एस और एल। ठीक है, बिल्कुल। तो भूकंप तरंगों की बात करते हैं। भूकंप की उत्पत्ति केंद्र के केंद्र से चारों ओर चलने वाली तरंगों की भूकंपीय तरंगों कहा जाता है। भूकंप केंद्र है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ क्या होती हैं? चारों तरफ चलती हैं, जहां तार चारों तरफ चलती है उनके कहते हैं तब भूकंप तरंगे कहा जाता है। इनकी गति तीव्रता प्रभाव में बहुत अंतर होता है, अतः भूकंप तरंगों को 3 वर्गों में रखा गया है। वही दे रखा है, भूकंप तरंगों को 3 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी, इनको देख लेते हैं। पहली है प्राथमिक तरंग, हमने बताया था ना, पहली प्राथमिक तरंग जिसे क्या कहते हैं? पी तरंग भी कहते हैं। ठीक है, प्रधान पी तरंग भी कहते हैं। जैसे कि यहां पर क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारी पृथ्वी, ये ठोस है, ये अर्ध ठोस है और ये लिक्विड में है। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर, रोकिएगा, देखो बात करते हैं यहां पर कोई केंद्र है। ठीक है, ये यहां पर कोई जन्म लिया, सबसे पहला झटका कहां लगा? यहां पर। ये अधि केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, यही बात करते हैं, ये नीचे की ओर भी तरंगे करेगा, नीचे की ओर भी गति करेगा, ऊपर की ओर भी, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब सभी माध्यम में भूकंप क्या होता है? गति करता है। वही रखा है प्राथमिक तथा प्रथम तरंग। प्राथमिक या फिर पी तरंग कौन सी, इसको देखते हैं। 10 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड
दस से, ध्यान रखना कैसे याद करेंगे, पी कैसा होता है ऐसा, तो इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, तो चार बन गया, तो दस से चौदह याद रहेगा, ठीक है। दस से चौदह किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली, जो धक्कों के रूप में आगे बढ़ने वाली पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचने वाली, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, तो पी तरंग पहुंचती है, याद कर लो, ठीक है। प्राथमिक है, पहले पहुंचेगी, तो पहले पहुंचने वाली तरंग पृथ्वी के भूक्रोड में प्रवेश करने वाली, भूक्रोड मतलब ये लिक्विड फॉर्म में जो बीच का केंद्र होता है, भूक्रोड में प्रवेश करने वाली तरल तथा ठोस भागों में समान गति से चलने वाली तरंगों को प्राथमिक या फिर पी तरंग कहते हैं। तो पी तरंग क्या है, ठोस में भी चलेगी, गैस में भी चलेगी और तरल में भी चलेगी, इसका मतलब तीनों माध्यम में समान गति से चलने वाली कौन सी तरंग होती है, पी तरंग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाली को देखते हैं, सेकंड वाली कौन सी तरंग होती है, सेकंड वाली तरंग है गौड़ या फिर एस तरंग। हमने बताया था इससे पहले जब आकृति देखी थी उसमें तीन तरंगों को बताया था, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। एस तरंग को गौड़ तरंग भी कहते हैं, और भी नाम है इसके। एस तरंग को इस माध्यम से चलती है एस तरंग, तो इसे प्रकाश तरंग भी कहते हैं और जल तरंग भी कहा जाता है, ठीक है भाई। तो पांच से सात किलोमीटर याद कैसे करेंगे, सात, एस एस सावड़ आ रहा है तो सात से मतलब सात, तो पांच से सात किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली तरंगे होती हैं, वो पृथ्वी पर दरारों को जन्म देती हैं। क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू कि भाई ऐसा कौन सी भूकंपी तरंगी है जो पृथ्वी पर दरारों को उत्पन्न करती हैं, तो वह कौन सी हो जाएंगे भाई, वह हो जाएंगी एस तरंगे या फिर प्रकाश तरंगे या फिर जल तरंगे या फिर गौड़ तरंगे भी नाम आपको दे सकता है भाई, ठीक है। तो बात करते हैं, ये तरल या फिर द्रव पदार्थ में प्रवेश नहीं करती हैं, ये भी पृथ्वी में बहुत गहराई तक पहुंचती हैं। जो अपनी एस तरंग होती है वो ओनली किसमें, ठोस अवस्था में गति करती है, ना गैस अवस्था में करती है ना ही द्रव अवस्था में करती है। यहां पर क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू, ठीक है, कि भी ऐसी कौन सी तरंग है जो सिर्फ ठोस अवस्था में ही गति करती है, तो वो हो जाती है एस तरंग। देखो थर्ड की बात करते हैं, धरातलीय या फिर एल तरंगे, धरातलीय या फिर एल तरंगे, तो ये तीन से पांच किलोमीटर याद रखना है आपको, तीन से पांच, पांच से सात, उसके नीचे क्या होगा, पांच तक ही होगा, तो तीन से पांच किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली इन तरंगों को केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही अनुभव किया जाता है। यहां पर एल तरंगे या फिर धरातलीय तरंगे या फिर सरफेस तरंग भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर चलती है। ये कहां चलती है, पृथ्वी की सतह पर चलने वाली तरंग होती है, तो धरातलीय या फिर एल तरंगे, धरातल पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली, ठीक है, या फिर एल तरंगे तीन से पांच किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली इन तरंगों को केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही अनुभव किया जाता है। इनमें धक्के धीमी गति से अंतराल के बाद आते हैं, अतः इनको लंबी तरंगे या फिर एल तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। अब बताइएगा किस किस में चलती हैं? तो पृथ्वी पर तरल भी होता है ना, पृथ्वी पर तरल भी है सतह पर, ठीक है, क्योंकि सतह पर क्या है, समुद्र भी है, तो यहां पर ये जल में भी प्रवेश करती हैं और ठोस में भी प्रवेश करती है ना, और ठोस में भी है ना, जल में भी करती हैं, ठोस में भी करती हैं, तो गैसों में करेंगी नहीं, बस बात को दो याद करना है सिर्फ, जल और ठोस, ठीक है, लिक्विड और क्या सॉलिड, दोनों में भैया प्रवेश करती हैं, ठीक है, मगर ये सिर्फ ओनली किसमें करती है, ठोस में प्रवेश करती है, और धरातलीय एल तरंगे होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड दोनों में प्रवेश करती हैं। बात करते हैं अब आगे की ओर, भूकंप की प्रमुख पेटियां, देखा था ना क्वेश्चन में पेटियों के बारे में पूछ रहा था, बिल्कुल, तो देखते हैं एफ दे रखा है अपना भूकंप की प्रमुख पेटियां, कौन कौन सी पेटियां हैं इनको याद करते हुए चलेंगे। भूकंप विश्व के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अधिक आते हैं, भूकंप की कुछ प्रमुख पेटियां निम्न प्रकार हैं, जहां पर ज्यादा आते हैं उनको क्या रख दिया, पेटी नाम रख दिया, ठीक है। तो देखते हैं अभी पहली पेटी कौन सी है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आप कहोगे प्रशांत महासागर, नाम हो गया, नाम याद है ना, प्रशांत महासागर, तो यहां पर वही नाम लिखा है परी प्रशांत पेटी, उसके पास का स्थान परी प्रशांत पेटी हमारी बन जाती है, ठीक है। तो ज्वालामुखी का बहुतायात बाली, यह पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर प्रायद्वीपीय, इसे छोड़ो देखे कमचटका प्रायद्वीप, चलो कमचटका प्रायद्वीप हो जाती है, क्यूराइल हो गया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अलास्का, कैलिफोर्निया,
मैक्सिको तथा चिली आदि क्षेत्र प्रमुख यहां पर होते हैं। दो से तीन ही नाम याद कर लोगे तभी आपका यहां पर काम हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करना है बड़ा सागर कौन सा, प्रशांत, तो परी प्रशांत पेटी, कहां पर, प्रशांत महासागर के चारों ओर, वही हो जाता है वही का स्थान, है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरी पेटी हमारी कौन सी है, दूसरी पेटी जो रहने वाली है वो जाती है मध्य अटलांटिक पेटी। अटलांटिक महासागर है तो उसके पास का क्षेत्र क्या हो गया, पेटी बन गया। ठीक है भाई, तो बात करते हैं मध्य अटलांटिक पेटी, तीन पेटियां हैं, तीन पेटियां ही याद करना है, बाकी आपको याद हो ही गया सारा की सारा, है ना, बिल्कुल। तो बात करते हैं मध्य अटलांटिक पेटी के बारे में, बात करते हैं मध्य अमेरिका से भूमध्य सागर भूमध्य क्षेत्र तक अंध में फैली हुई यह पेटी भूकंपों की दूसरी महत्वपूर्ण पेटी है। लिख सकते हो बनाकर इतनी बात, ठीक है। बात करते हैं थर्ड वाला, मध्य महाद्वीपीय पेटी जिसमें हम आते हैं। ठीक है, बात करते हैं अलास्का है, कॉकेसस है, हिंदुकुश पर्वत है, हिमालय है, गंगा का मैदान है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के पहाड़ी तथा तट तलछटी मैदान इस पेटी में आते हैं। हमारा भारत भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, तीन ही पेटियां हैं, तीन ही तरंगे हैं, बाकी कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, तो बात करते हैं अब अन्य बिखरे क्षेत्र देख लेते हैं। तो पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी या दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, बनाकर लिख सकते हो। अब बात करते हैं यहां पर आगे की ओर, क्वेश्चन रखा है भूकंप का प्रभाव, सॉरी हेडिंग डाल रखी है भूकंप के प्रभाव। अब भूकंप के प्रभाव कौन कौन से देखने को मिलते हैं, क्या होता है भूकंप से, हानियां ही तो होती हैं, तो वही देखने वाले यहां पर। तो भूकंप से प्रभाव कौन कौन से हैं, तो वो है भूकंप मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है, इसके धन जन, इससे जो होता है धन जन एवं संपदा का भारी नुकसान होता है। कुछ प्रमुख प्रभाव निम्न प्रकार हैं, तो पहला देखा है अपना सांस्कृतिक भूदस्यों का विनाश, जैसे हमारा हो गया, कौन सा हो गया भाई, बहुत सारे कह सकते हो, पहला हो गया जैसे ताजमहल, है ना, कंपन करेगा क्या पता ताजमहल की कोई टूट जाए, है ना, इस प्रकार से बहुत सारे हो जाते अपने सांस्कृतिक भूदृश्य, ठीक है, जिनका विनाश देखने को मिलता है भूकंप से। बात करते हैं नगरों का नष्ट भी हो, नगर नष्ट होते रहे हैं, और नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन होता है जिसमें बहुत सारे हानि होती है, है ना। फिर बात करते हैं बाढ़ों का अचानक आ जाना, इसी के कारण होता है, और देखिएगा फिर दे रखा है तुम्हारा भूतल पर दरार का पड़ना, जो किससे होता है, ऐस तरंगें करती हैं तथा धसाव व उठाव, ये सारा का सारा ऐस तरंगों के अनुसार होता है, तथा सागरीय लहरों का उठना, इसे सुनामी कहते हैं, तथा जनहानियां देखने को मिलती हैं, और भूमिगत के जल स्रोतों का सतह पर आ जाना। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रभाव हो जाते हैं, वेरी वेरी इजी थे, आराम से हमने याद कर लिए सारे के सारे, बहुत इजी है सारे के सारे। ठीक है, तो वीडियो क्या करना है भाई, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो देख लेना, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर जय हिंद जय भारत। नोट्स चाहिए तो कहां मिलेगा, www.paperhacker.in पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।